नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों हम लोग पॉलिटी से संबंधित एक चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एमसीक्यूज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए आप लोग, ठीक है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम आईडी से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ये हमारा फेसबुक आईडी है, इससे भी जुड़िएगा। दोस्तों ये हमारी कोचिंग का नाम है सिलेक्शन मेंटर और इसी के नाम के आधार पर हमारा यूट्यूब चैनल चलता है। दोस्तों इसको तुरंत जल्दी से हमारे चैनल को नाम लिख करके सब्सक्राइब करिएगा और लगातार वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे किस टाइम कौन सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और ये हमारे सर हैं वीरत सर, ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं। देखिए आप किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी में, जैसे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं और सारे हमारे गवर्नमेंट कराने वाले एग्जाम जो भी हमारा गवर्नमेंट कराती है एग्जाम, उन सारे एग्जामों में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना है तो हमारे चैनल से तुरंत जल्दी से जुड़ जाइएगा। और चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, आज देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। तो हमारा संविधान में जो टॉपिक है आज दोस्तों वो है संविधान की प्रस्तावना। सबसे अच्छा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज दोस्तों होंगे वो सारे एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, सारे डिटेल्स के साथ कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम अगले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपके पास है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन आपके पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा बी एन राव, चौथा एन ए पालकी वाला। तो संविधान का परिचय सर्वप्रथम किसने कहा दोस्तों, ये चार ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन को पुष्ट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो देखिए अब हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, डी नंबर सही से हो रहा है, एन ए पालकी वाला। एन ए पालकी वाला जो है, एन ए पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल को क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा दोस्तों, समझ गए ना। तो अरस्तु के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या है, राजनीतिक विज्ञान के जनक है, राजनीतिक विज्ञान के जनक है दोस्तों, विज्ञान के जनक है कौन, अरस्तु देव, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं आप लोग, ये कौन है, ये संविधान के पिता कहा जाता है दोस्तों, संविधान के पिता कहा जाता है दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की क्या है, कुंजी है, मतलब प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी है। बी एन राव कौन है दोस्तों, ये हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। अरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, और जल्दी से इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। इसमें चार ऑप्शन आपके पास सामने, कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों, तो सबसे पहले फर्स्ट है एक बार, दूसरा दो बार, तीसरा तीन बार, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है दोस्तों। तो सिर्फ केवल पहला ऑप्शन एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन करके कब, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 करके, उसमें कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कौन शब्द जोड़े गए, अखंडता, ठीक है। तो एक बार केवल संविधान संशोधन हुआ है प्रीएम्बल में कुछ वर्ड को जोड़ने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया के रूप में वर्णित किया गया? तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है उद्देश्य का, तीसरा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की आत्मा के रूप में किसमें वर्णित किया गया है? उद्देश्य का में दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही, उद्देश्य का में। ठीक है, उद्देश्य का में, क्योंकि उद्देश्य का जो है, उद्देश्य का को संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है। समझ गए ना दोस्तों, प्रस्तावना का रूप लेता है। और किस दिसंबर को? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझ गए होंगे दोस्तों। और ये फंडामेंटल राइट्स है, ये व्यक्तिगत अधिकार है, हमारे राइट्स हैं। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक है, राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संकल्प स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लाए गए। ठीक है ना, चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा? देखिए, नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो पहला ऑप्शन सुभाष कश्यप, दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी, तीसरा है एन ए पालकीवाला, चौथा है महात्मा गांधी। तो के एम मुंशी। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारे के एम मुंशी है, यही ऑप्शन सही है। तो इसमें चारों में बी नंबर ऑप्शन सही है, के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्री कहा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर होता है ना क्वेश्चन। चलते हैं आगे पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सेट करें? तो देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ठीक है, तो पहला क्या है? सर्व सत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। बी नंबर में क्या है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। अब आपने अगर प्रियम्बल को सही ढंग से पढ़ा है तो ही आप आंसर बता सकते हैं, सर्वधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। और जो डी नंबर ऑप्शन है, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये चार ऑप्शन आपके हो गए। और जल्दी से अपने ऑप्शन पुष्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अब हम बताने वाले ऑप्शन कौन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। आप प्रियम्बल को कम से कम पेपर के टाइम में 3 से 4 बार रिवाइज करके बहुत अच्छे तरीके से जाइएगा, क्योंकि प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पोल्टी में अगर क्वेश्चन आता है तो प्रियम्बल से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो प्रियम्बल जरूर पढ़ के जाइएगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की संकल्पना दी गई है प्रस्तावना में। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि भारत को एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कह रहा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, जनता का शासन है मगर सारे अधिकार नहीं है। ठीक है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है गणतंत्र का। भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था, इससे भी हमारे गणतंत्र रिपब्लिक का कोई महत्व नहीं है। सी नंबर, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा है भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए चार ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब आपको बता रहे हैं चार ऑप्शन में ये सी नंबर ऑप्शन सही है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब भारत में राजा का शासन नहीं है दोस्तों, सम्राट का शासन नहीं है दोस्तों। किसका शासन है? एक राष्ट्र का अध्यक्ष। हमारे राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है दोस्तों। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे यहाँ कैसा होता है? निर्वाचित होता है। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होता है? निर्वाचित होता है दोस्तों। ये राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और ये निर्वाचित होता है।
ये निर्वाचित होता है, जनता जिसे चुनकर लाती है वही पार्टिसिपेट करते हैं इसके चुनाव में, इसके चुनाव में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, वो निर्वाचित राष्ट्र का जो अध्यक्ष बनेगा वो निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, और जल्दी से देखिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा दोस्तों अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? तो देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास ऑस्टिन ने, दूसरा डीडी बसु ने, तीसरा आइवर जिंगसिंग ने और केसी हुयर ने। तो अर्धसंघात्मक है भारतीय संविधान, कैसा है अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा? केसी हुयर ने दोस्तों, केसी हुयर ने कहा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सही ढंग से इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल सेटअप कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी हुयर ने जो है अर्धसंघात्मक शब्द कहा था भारतीय संविधान, भारतीय संविधान कैसा है अर्धसंघात्मक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का एक लक्षण है विकसित, लिखित और व्यापक, निर्मित, लिखित और व्यापक, निर्मित, अलिखित और संक्षिप्त, निर्मित, संक्षिप्त और लिखित, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कौन सा सही होगा। तो अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बी नंबर सही होगा, निर्मित। देखिए, संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान का हमारे यहाँ क्या हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है, और संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, 114 दिन बैठक हुई है दोस्तों, ठीक है, 60 देशों के संविधान से प्रारूप लिया गया है दोस्तों। इतना बड़ा संविधान जिसमें कितने हैं, 22 भाग, प्रस्तावना में 22 भाग, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी जब संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों, और आपके पास अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, मालूम है ना। तो सारे देशों में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, मतलब भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, भारत का संविधान बड़ा है, ये नोट कर लीजिए कहीं पर, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कौन है, तो प्रथम लिखित संविधान के लिए आप अमेरिका लगाएंगे, प्रथम लिखित संविधान के लिए आप क्या लगाएंगे, लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान के लिए आप क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, अमेरिका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमेरिका, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है दोस्तों, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। व्यापक का मतलब होता है बहुत ही बड़ा संविधान, व्यापक है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, निर्मित है, निर्माण हुआ है, लिखित भी है और व्यापक भी, बहुत बड़ा भी संविधान है सारे देशों का से तुलना की जाए तो, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है निम्न शब्दों को सही क्रम में, देखिए ये सिविल जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आर ओ की परीक्षा आप दे रहे हैं, यूपी पीसीएस की आप परीक्षा दे, किसी भी स्टेट की आप पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, और ये यूपीएससी तक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन को रखा गया है। अब देखिए, सबसे पहले क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रिक। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या बताएंगे, कौन सा हमारा शब्द आएगा, तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, संप्रभु संपन्न, समाजवादी शब्द, हम जब प्रियम्बल पढ़ते हैं ना तो हमारे पहले वर्ड क्या निकलते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखियो, सबसे पहले तो आपको मिल रहा है संप्रभु, ये मिल रहा है, ठीक है, और एक के बाद आपको तीसरा मिल रहा है, तो जब ये एक और तीसरा मिल रहा, फिर इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद आपको पांचवा मिल रहा है, पांचवा क्या है, लोकतांत्रिक, और चौथा क्या है, गणराज्य,
बनाने की संकल्प में थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर, देखो इसमें मिलान में आ रहा है, तो चार ऑप्शनों में आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें मिलान करना पड़ेगा और मिलान करके हमें बताना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो सही रूप में आपको देखो चार ऑप्शन है आपके सामने, इन चार ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन सही है, मिलान कर लीजिए, प्रियम्बल के प्रियम्बल खोल करके बैठिए, प्रियम्बल को रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिएगा, प्रियम्बल के एक एक शब्द शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरे प्रियम्बल को जहां पढ़ते हो वहीं आप लगा लीजिए अपने सामने रोज डेली उसको देखिएगा, तभी आपको प्रियम्बल के सारे वर्ड्स तैयार होंगे दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में, और 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल नहीं याद किया तो बता ही नहीं पाएंगे आप कितने प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय, चौथा है ये सभी। तो देखिए सामाजिक न्याय हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि न्याय कितनी प्रकार की है, न्याय तीन प्रकार की है। पहला कौन सा है, सामाजिक, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, दूसरा आर्थिक है, ठीक है, और तीसरा क्या है, राजनैतिक, मतलब हमारे यहाँ जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तीन प्रकार की स्वतंत्रता है, तीन प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, हमारे यहाँ न्याय, ठीक है, तो हमारे यहाँ न्याय की जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, सामाजिक अर्थ सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता है, देखिए यहाँ पर कितने प्रस्ताव में कितने प्रकार की न्याय की स्वतंत्रता है, यहाँ एक शब्द और जोड़ लीजिएगा आप लोग, एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा दोस्तों। न्याय की स्वतंत्रता है तो सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता है, राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता है, और ये सभी, तो ये चारों ऑप्शन में ये सभी, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्लियर होता है दोस्तों। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है दोस्तों, 42वें संविधान को, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, लघु संविधान बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, लघु संविधान बोला जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, समाजवादी, दूसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है बंधुता, और चौथा ऑप्शन है अखंडता। तो आपको बता दें कि ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन की और पुष्ट करिए, बताइए कौन सा सही होगा। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो रहा दोस्तों, सी नंबर बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना, ये शब्द पहले से हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड था, मगर ये हमारे शब्द इंक्लूड नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनके लिए एक बार संशोधन प्रियम्बल में किया गया, वो भी कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया दोस्तों, इसी के माध्यम से ये तीन शब्द हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए दोस्तों, ठीक है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना है तो कह रहा है संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है, इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो ये चार ऑप्शन में आपका पहला ही सही है, संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग है, और किसने कहा था, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम, बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, ये मामला कब का था दोस्तों, 1973 का मामला था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, उन्होंने कहा था कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, मगर इसमें संशोधन करते समय ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के जो है इसके मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो पाए, इन्होंने ये चीज़ को जरूर ध्यान में रखते हुए ये बात की पुष्टि की थी, ठीक है ना। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, तो पहला है लचीला है, दूसरा लचीला और अचल का समंजस है, फिर अचल है, और इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, लचीला और अचल का समंजस है,
ठीक है, इसमें क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद को लेकर संशोधन किया जा सकता है, मगर मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, इस प्रयास में विशेष ध्यान हमें रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरी 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अधिनियम के समय निम्न में किस आदर्श के प्रस्तावना में, आदर्श के प्रस्तावना को में शामिल नहीं किया गया, मतलब आदर्श शब्द, आदर्श शब्द को प्रस्तावना, कोई आदर्श शब्द है दोस्तों, आदर्श शब्द को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले समानता, दूसरा न्याय और तीसरा समाजवाद और चौथा स्वतंत्रता। तो देखिए आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय हमारे यहाँ तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का? पहला कौन सा है? पहला हमारे यहाँ आर्थिक है, आप लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा हमारा जो है आर्थिक सामाजिक है, आर्थिक सामाजिक है। और तीसरा क्या है? राजनैतिक है, राजनैतिक है। न्याय तो तीन प्रकार की हो गई। अब आपको कह रहा है समानता कितनी प्रकार की है, तो समानता देखिए दोस्तों कितने प्रकार की होगी, तो समानता हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की होंगी दोस्तों, तो समानता होंगी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है दोस्तों, अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की, अवसर की समता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये समानता के बारे में है, ठीक है। स्वतंत्रता है, आपको मालूम है स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है दोस्तों, तो स्वतंत्रता हमारे यहाँ एक तो विचार करने की स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता है, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने मतलब अभिव्यक्त का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। इसके बाद विश्वास धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की। इसके बाद उपासना की स्वतंत्रता है। इतने प्रकार की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, बाकी ये एक दो तीन, तीन वर्ड हमारे प्रीएम्बल में है आदर्शवाद, बाकी ये सी नंबर ऑप्शन में हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, समाजवाद यही ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं में ये कौन शामिल नहीं है प्रीएम्बल में, तो समाजवाद शामिल नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों और चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन वर्ड दोस्तों इन किस देश से लिए गए दोस्तों, ये चीज हम लेंगे किस देश के आदर्श प्रेरणा से हमें लिए गए हैं। तो पहला है दूसरी कान, दूसरा है फ्रांस की कान, तीसरा है आयरिश संविधान से, चौथा अमेरिकी संविधान से। तो चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से समानता भी, ठीक है, स्वतंत्रता भी और बंधुत्व, ये तीनों शब्द हमारे फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं दोस्तों। तो हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इस प्रकार किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी डाउट को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से हमारे सेशन को लाइक करें, जल्दी से सेशन को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे हमारे वीडियो का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।